कांग्रेस आंदोलन वाली पार्टी है, लोगों के दुख दर्द समझने वाली पार्टी है। यहाँ पर आज किसानों की समस्याओं के लिए जो लोग एकत्रित हुए हैं, यह कांग्रेस का बड़ा आयोजन है। हम सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यह बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सावेर में आज कही। दरअसल सावेर नगर में कांग्रेस नेता बंटी राठौड़ के नेतृत्व में बासार चौक स्थित किसान आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जहां सावेर विधानसभा क्षेत्र के कई किसान और कांग्रेसी लोग एकत्रित हुए। स्थानीय नेताओं ने अपने अपने उद्बोधन दिए और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं आयोजन में मुख्य रूप से प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव भी मौजूद रहे, जहाँ जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की और बीजेपी से एकजुटता से लड़ने की बात कही। तो वहीं सावेर नगर में एक दिन में कांग्रेस के दो अलग अलग आयोजन के सवाल पर पूर्व मंत्री पटवारी ने बड़ी सफाई से गोलमोल जवाब दिया। आपको बताते हैं कि सावेर नगर में सोमवार को जहां सावेर क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरा सिंह सेतिया ने भारत छोड़ो यात्रा सावेर से शिप्रा तक निकाली, तो वहीं कांग्रेस नेता बंटी राठौड़ के नेतृत्व में हुए आयोजन में पार्षद और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम सोनी, कांग्रेस कमेटी के शरीफ पटेल सहित तमाम नेताओं ने सावेर के किसान आंदोलन आयोजन में भाग लिया। ये किसानों की जन समस्याओं को लेकर एक आंदोलन रखा गया है, जो किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो लहसुन प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं, अपनी फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का कोई सर्वे नहीं हो रहा है और किसान अपनी जन समस्या से बहुत परेशान है, क्योंकि किसानों की समस्या को सुनने वाला नहीं है। बिजली का बिल माफी की बात हो, यूरिया की हो, खाद हो, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार जो गायों की बात करती है वो अचीता इलाके छोड़ रही है।